शरबत बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे 1 लीटर दूध और 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। कस्टर्ड मिक्स कर लिया है, अब स्पैचुला चलाते हुए दूध में बॉईल आने तक पकाएंगे। दूध में बॉईल आने के बाद 1/3 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध पक चुका है, अब दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। दूध ठंडा करने के बाद शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून तुखमलंगा, 1/2 कप हरा शरबत, 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए पिस्ते और 1 पैकेट तैयार की हुई जेली डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज आप तक बरवक्त पहुँच सके। अब शरबत को फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। हमारा मज़ेदार इफ्तार स्पेशल शरबत तैयार है। फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे 1 कप बारीक कटे हुए सेब, 1 कप बीज निकालकर बारीक कटे हुए अमरूद, 1 कप बारीक कटी हुई कोलाची, 1 कप दरमियान से कटे हुए किन्नू, 1 कप बारीक कटे हुए केले, 1 कप दरमियान से कटी हुई स्ट्रॉबेरी, 1 कप अनार, 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबल स्पून टैंग ऑरेंज फ्लेवर में, 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब डिश आउट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारी मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार है। रोल के लिए सबसे पहले चिकन फिलिंग तैयार करेंगे। चिकन फिलिंग तैयार करने के लिए पैन में डालेंगे 1/4 कप ऑयल और 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालकर हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई करने के बाद डालेंगे 1.5 कप बॉईल करके रेशा की हुई चिकन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालकर मिक्स करेंगे। अब शामिल करेंगे 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप बारीक कटी हुई गाजर और 1.5 कप बारीक कटी हुई बंदगोभी डालकर मिक्स करेंगे। सब्जियां मिक्स कर ली हैं, अब 1 कप लंबाई में कटे हुए हरी प्याज के पत्ते डालकर मिक्स करेंगे। चिकन फिलिंग तैयार है, अब फिलिंग को रोल पट्टी पर रखेंगे। और इस तरह फोल्ड करेंगे। अब लई लगाकर फोल्ड करेंगे। रोल बना लिया है, अब रोल को नीम गरम ऑयल में डालकर हल्की आंच पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। रोल फ्राई हो चुके हैं, अब निकाल लेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारे मजेदार चिकन स्प्रिंग रोल तैयार हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए बाउल में डालेंगे 1 कप बारीक कटे हुए आलू, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई बड़ी हरी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मिक्स करेंगे। सब्जियां और मसाले मिक्स कर लिए हैं, अब 1 कप बेसन डालकर मिक्स करेंगे। बेसन मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करेंगे और थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार है, अब ब्रेड स्लाइस को हल्का सा टोस्ट करेंगे ताकि स्लाइस की सॉफ्टनेस खत्म हो जाए। स्लाइस टोस्ट कर ली है, अब स्लाइस को 4 हिस्सों में कट करेंगे। स्लाइस कट करने के बाद बैटर में अच्छे से डिप करेंगे। डिप कर लिया है, अब स्लाइस को नीम गरम ऑयल में डालकर दरमियानी आंच पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारे मजेदार क्रिस्पी ब्रेड पकोड़े तैयार हैं। सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कप बेसन, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार है, अब 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब बाउल में डालेंगे 1 जग पानी और 1 टेबल स्पून नमक डालकर मिक्स करेंगे। फुल्कियों के लिए पानी तैयार है, अब नीम गरम ऑयल में थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। और दरमियानी आंच पर फुल्कियों को उलट पलट करते हुए हल्का सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। फुल्कियां तैयार हैं, अब सारी फुल्कियां निकाल लेंगे।
अब फुलकियों को तैयार किए हुए पानी में डालकर डिप करेंगे। और 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब बॉल में डालेंगे 500 ग्राम दही और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही फेंटने के बाद शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। दही तैयार है। अब फुलकियां पानी में से निकाल लेंगे। अब फुलकियों पर डालेंगे तैयार की हुई दही। अब डालेंगे इमली की चटनी। चटनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा दही बड़ों का मसाला डालेंगे। मसाले की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारे मजेदार मीठे दही बड़े तैयार हैं। वॉन्टन के लिए सबसे पहले कीमा तैयार करेंगे। कीमा तैयार करने के लिए बॉल में डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन, 7 से 8 अदद दरमियान से कटी हुई छोटी हरी मिर्च, 1 अदद दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप बारीक कटे हुए हरी प्याज के पत्ते, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर चॉप करेंगे और बारीक कीमा बना लेंगे। कीमा बना लिया है। अब 1 टेबल स्पून के करीब कीमा लेंगे और वॉन्टन पट्टी पर रखेंगे। अब किनारों पर फेंटा हुआ अंडा लगाएंगे। और इस तरह फोल्ड करके वॉन्टन बना लेंगे। वॉन्टन बना लिया है। अब वॉन्टन को नीम गरम ऑयल में डालकर हल्की आंच पर अलट पलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। वॉन्टन फ्राई हो चुके हैं। अब सारे वॉन्टन निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमारे मजेदार चिकन वॉन्टन तैयार हैं। बटरफ्लाई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले बॉल में डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 चुटकी जर्दे का रंग, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 2 टेबल स्पून दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद चिकन को आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब बॉल में डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर,
और क्वार्टर कप पानी डालकर कॉर्नफ्लोर हल करेंगे। मिक्स करने के बाद बारीक कटा हुआ आलू लेंगे और कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। आलू कॉर्नफ्लोर में डिप कर लिया है, अब आलू पर मैरिनेट की हुई चिकन रखकर स्कीवर लगाएंगे। अब बटरफ्लाई चिकन को नीम गरम ऑयल में डालकर दरमियानी आंच पर कलर आने तक फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आ गया है, अब चिकन को अलट पलट करेंगे। चिकन फ्राई हो चुकी है, अब सारी चिकन निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारी मजेदार बटरफ्लाई चिकन तैयार है। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कप बेसन, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई प्याज, 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई छोटी हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार है, अब 4 अदद बॉईल किए हुए अंडे लेंगे और 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। अंडे कट कर लिए हैं, अब अंडे को बैटर में अच्छे से डिप करेंगे। डिप कर लिया है, अब अंडे को तेज गरम ऑयल में डालकर दरमियानी आंच पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारे मजेदार अंडे वाले पकोड़े तैयार हैं। चिकन बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले 1/2 किलो बोनलेस चिकन चेस्ट पीस लेंगे और छुरी की मदद से बारीक कीमा कर लेंगे। कीमा बना लिया है, अब कीमे को बॉल में डालेंगे और शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब,
1 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून पार्सले, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून केचप, हाफ कप ब्रेड क्रम्स और क्वार्टर कप बारीक कटे हुए हरी प्याज के पत्ते डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालकर मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स कर लिए हैं, अब हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कीमा लेकर बॉल बना लेंगे। बॉल्स बना ली हैं, अब बॉल्स पर डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और 2 अदद फेटे हुए अंडे डालेंगे। अब बॉल को अंडे में अच्छे से डिप करेंगे। बॉल अंडे में डिप कर ली है, अब ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। बॉल ब्रेड क्रम्ब से कोट कर ली है, अब बॉल को नीम गरम ऑयल में डालकर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बॉल्स फ्राई हो चुकी हैं, अब सारी बॉल्स निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारी मज़ेदार चिकन बाइट्स तैयार हैं। बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले 6 अदद दरमियाने साइज के बॉईल किए हुए आलू लेकर कद्दूकश करेंगे। आलू कद्दूकश करने के बाद शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून पार्सले, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, 1 टीस्पून नमक, 1/3 कप कॉर्नफ्लोर और 1/2 कप ब्रेड क्रम्स डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। अब एक छोटी क्यूब मोज़रेला चीज की रखकर बॉल बना लेंगे। बॉल बना ली है, अब बॉल को नीम गरम ऑयल में डालकर हल्की आंच पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बॉल फ्राई हो चुकी है, अब निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारी मजेदार पोटैटो चीज बॉल्स तैयार हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।